उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल में स्विट्जरलैंड से भारत लौटे एक कंप्यूटर इंजीनियर को संदिग्ध मानकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। उसके सैंपल लेकर अलीगढ़ के लिए भेज दिए गए हैं। उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर के रहने वाले दीपांशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर स्विट्जरलैंड में नौकरी करती है। 2018 में उसकी नौकरी लगी थी। वह 7 मार्च को स्विट्जरलैंड से भारत आई थी और अपने घर कस्बा हसनपुर में पहुंची, जहां 12 मार्च को उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सरकारी अस्पताल हसनपुर में उसे भर्ती करवाया तो डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे कोरोना वायरस से संदिग्ध मानकर उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया और उसका सैंपल लेकर अलीगढ़ जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। आपको बता दें कि अभी अमरोहा में यह दूसरा मरीज संदिग्ध मिला है। इससे पहले फुरकान को संदिग्ध बताया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में पुष्टि नहीं होने पर उसको घर वापस भेज दिया गया था। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सर बताइएगा, कोरोना की जो लेडी संदिग्ध मरीज है, संदिग्ध नहीं कोरोना ऐसे नहीं बोला, संदिग्ध मरीज बताइएगा सर, ये जो संदिग्ध मरीज है क्या है, इस बारे में बताइए। ये एक 27 साल की युवा लड़की है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और स्विट्जरलैंड में काम करती थी। जुलाई 2018 से वहाँ काम करती थी और अभी होली की छुट्टियों में घर आई थी 7 मार्च को। हसनपुर की रहने वाली है। तो 12-13 तारीख से इसको खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह की शिकायत हो रही थी और सांस में दिक्कत हो रही थी। तब ये एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया और कल हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती हो गई और इसका सैंपल भेजा गया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। जो आज अलीगढ़ भेज दिया गया है इनकी जांच की रिपोर्ट, तो कब तक रिपोर्ट आ जाएगी सर इनकी? आज शाम 8 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.